अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं, पीछे नाई भी यहाँ पर ठीक है। और अभी हो रही है दोपहर और मैं बना रही हूँ खाना। तो जी, बॉम्बे बिरयानी है तो इंडिया की, पर हम पाकिस्तानी बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत शौक़ से बनाते हैं। सिर्फ बॉर्डर का डिफरेंस है, बाकी दिल से तो ऑलमोस्ट हम दोनों कंट्रीज़ के लोग ही बिल्कुल एक जैसे हैं और खाना, रहना, पीना सब कुछ एक दूसरे से सिमिलर है। तो सर पे है मेरे दुपट्टा क्योंकि मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है और मैं बना रही हूँ आज बिरयानी, चिकन बिरयानी। बहुत दिल हो रहा था तो अभी बन रही है पैकेट की बॉम्बे बिरयानी। रहते तो हम पाकिस्तान में पर हम बनाते हैं बॉम्बे बिरयानी, तो अभी मैं वो बनाऊंगी। पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने प्याज अभी फ्राई कर दिया, लहसुन अदरक डाल दिया है। बस अभी बाकी जो रेसिपी है उसको कंटिन्यू करना है तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे बिरयानी सभी को आती है बनानी और कराची की बिरयानी तो मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। और हम मुझे अच्छा क्या हो गया है कि अब मुझे घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। पहले एक टाइम था कि बाहर की चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ होता था, पर जब से खुद कुकिंग करना सीखी और खुद चीज़ें बनाना आ गई हैं, वेरिएशन करना आ गई है, तो मुझे लगता है कि घर में एक तो आप हाइजेनिक तरीके से बनाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं, कम पैसों में बनती है और आप दिल भर के खाते हैं और दो बार तो खा ही लेते हैं। तो मैं बिरयानी हमेशा इतनी बनाती हूँ कि दोपहर में भी खाएं और रात में भी खाएं, क्योंकि मैं बिरयानी के लिए कभी इनकार नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा जो है ना फुल ऑन भर के बिरयानी खानी होती है, वो भी रायते के साथ। तो चलें कंटिन्यू करते हैं रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगी। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फटाक से मेरी वीडियोज़ जो है वो देखें। और अगर पसंद आ जाए तो कॉमेंट करके बताइए। अच्छा, तो आज साथ साथ बातें भी करते जाएंगे और पकाते भी जाएंगे, तो मैंने सोचा आज दोपहर की चिटचैट मैं आप लोगों के साथ करूं, खाना भी बनाती रहूंगी और आप लोगों के साथ बातें भी करती रहूंगी। तो मैंने प्याज फ्राई कर दी है तो अब मैं चिकन डाल रही हूं। और मुझे नई पतीलियां ख़रीदनी है क्योंकि ये पतीली जो है ये इसका बुरा हाल हो गया। मेरा जो सेट है ये पतीलियों वगैरह का, तो मुझे अब नई जो है ना पूरा किचन का क्रॉकरी नहीं कुक सेट मेरे ख्याल में कहते हैं, तो मुझे पूरा कुकिंग जो रेंज है ना वो मुझे लेनी है इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं में पका रही हूँ। आई नो कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये बड़े बुरे लगते हैं, पर जो है मैं इंशाल्लाह जल्द ये लूँगी। तो इसको मैं पहले भून लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं झटपट बिरयानी जब बनानी होती है, क्योंकि अभी मुझे आज लेट हो गया खाने बनाने में, तो मैं चिकन को भी फ्राई करने के बाद टमाटर इस तरह से काट के टमाटर भी डाल देती हूँ, साथ में हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। और क्योंकि मैं पैकेट के मसाले से बना रही हूँ तो पैकेट का मसाला डाल के और अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो आज दही नहीं है तो मैं पहली बार दही के बगैर बिरयानी ट्राई करूँगी कि कैसी बनती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दही के बगैर भी अच्छी बनती है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम दही के बगैर वाली बिरयानी जो है वो, और ये गिर गया नीचे, तो ट्राई करूँगी तो देखते हैं कि आज रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ये टमाटर मैं डाल रही हूँ और फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, तो मैंने जो बड़ा डिसहार्ट होके वीडियो अपलोड करी थी और डाली थी, उसके बाद मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों की तरफ से और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत काइंड वर्ड्स दिए और मोटिवेट किया। तो होता क्या है कि यूट्यूब जो है अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतने सारे व्लॉगर्स आ गए, इतने सारे कंटेंट हो गए, तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो आप कर रहे होते हैं पर अपने आप को मनवाना जो है वो अब यूट्यूब पे इतना आसान नहीं रहा। पहले जब यूट्यूब नया था तो जल्दी जल्दी लोग जो है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गए, पर अब जो लोग व्लॉगर्स हैं या जो लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे डालते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है। पर मेरा बहुत फर्म बिलीव है किस्मत के ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो के हार्डवर्क तो कर रहे होते हैं पर उनको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं जिनको साल के अंदर अंदर
उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और इतने ज़्यादा उनके व्यूज़ और सारा कुछ। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, ज़ाहिर है घर देखना होता है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। पर होता क्या है कि जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता ना इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो आप थोड़े से डाउन हो जाते हैं क्योंकि आप अपना हर एफर्ट लगा रहे होते हैं। और फिर जब आ जाती है एडिटिंग की बारी, जो व्लॉगर्स हैं जो एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एडिटिंग पे अपना टाइम लगाते हैं, कुछ मैंने ऐसे लोग, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बस वीडियोस डाल देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो चाहते हैं कि उनकी एडिटिंग अच्छी हो, वो अच्छे से एडिट कर सकें। आई नो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है और मेरा हो सकता है कि कैमरे का जो रिज़ल्ट है या कैमरा है वो उस तरह से ना हो जो बाकी लोगों का है, बट स्टार्ट में ऐसे ही शुरू करते हैं। स्टार्ट में ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जिनके पास शुरू में अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, उनका कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, पर वो आगे बढ़े, इवन लोगों ने घर बना लिए, गाड़ियाँ ले ली और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया सिर्फ उनके चैनल की बदौलत। तो अब मैं 3 साल से कर रही हूँ, 3 साल से मैं काउंट नहीं करूँगी, 2 साल कर रही हूँ, तो 2 साल से मैं कर रही हूँ। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं जो है बस कंटिन्यू करती रहूँगी अपना कॉन्टेंट और मैं रुकूंगी नहीं, जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी मैं रुकूंगी नहीं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखा करें अगर पसंद आए, नहीं पसंद आए तो ऑब्वियसली ज़बरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी पसंद होती है। और मैं किचन में हूँ, फ़ैन नहीं चल रहा लाउंज का, तो मैं पसीने में हो रही हूँ, तो चलें मुझे यही बात करनी थी। और अब रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। भाई नाइल्स आपको जो है ना अपना वेट करने का बहुत शौक है क्या कर रहे थे ये? इन्होंने नीचे वेट मशीन रखी हुई है, ये अपने ट्वाइस का वेट कर रहे हैं, फिर इन्होंने अपनी साइकिल का वेट किया, हर वक्त ये अपना वेट करते रहते हैं। और अभी तो इनके बाबा जो हैं वो अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने बाबा का भी वेट जो है वो चेक कराते हैं, फिर मुझे भी कहते हैं मामा आप भी अपना वेट चेक करें। तो भाई हमारे यहाँ तो ना सारा दिन यही होता रहता है, बस कर दो टूट जाएगी वेट मशीन, ये इसके लिए नहीं होता है, ये हमारे लिए होता है, वो वैसे ही ख़राब हो गई, वो 5 किलो वैसे ही ज़्यादा बताती है। मेहरान के यूज़ करती हूँ मैं, मेरे घर में मेजॉरिटी मेहरान का ही मसाले आते हैं, तो ये पूरा पैकेट मैं डाल दूँगी क्योंकि मैं स्पाइसी बनाऊँगी, मुझे स्पाइसी पसंद है बिरयानी, तो क्योंकि ज़ोएब तो नहीं खा पाएंगे, अगर खाए भी तो बहुत ही थोड़ी खाएंगे क्योंकि ज़ोएब अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ज़ोएब की पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बल्कि मैं नहीं ज़ोएब भी आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये डाल दिए और अब जो है कोरमा बनने के बाद शक्ल दिखाऊंगी, फिर बिरयानी के असेंबल करने के बाद आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। ये देखें भाई ये कलर आया है बेहतरीन, इतना खूबसूरत कलर तेल ऊपर आ गया, पर अभी इसकी थोड़ी सी और भुनाई होगी और इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ताकि चिकन डले, कह रही हूँ चिकन गले, और साथ में आलू भी डालूंगी क्योंकि आलू के बगैर बिरयानी इनकम्प्लीट है। कोरमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसके अंदर अब मैं हरे मसाले डालूंगी ऊपर से ही और इसको मिक्स कर दूंगी, और आप शक्ल देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की शक्ल निकल कर आई है, तेल ऊपर आ चुका है पूरा। और मैं कोरमे को थोड़ा सा इसके अंदर पानी रहने देती हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती, उसका रीज़न ये है कि आपको जब आप बहुत ज़्यादा पानी इसका ड्राई कर देते हो कोरमा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, वो सिर्फ तेल और सालन रह जाता है, मतलब मसाला रह जाता है, तो आपके जो चावल हैं बिरयानी बहुत ड्राई हो जाती है। इसीलिए ये एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को गीली बिरयानी पसंद है और अगर आप ड्राई बिरयानी नहीं चाहते कि आपकी बिरयानी ड्राई हो, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर रहने देंगे, नॉट छोड़ा सा, थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं लेयर नहीं करती, मेरा हमेशा का राय है कि मैं पहले तह लगा देती हूँ, तह से मुराद मैं पहले मसाला डाल देती हूँ, मसाले को सारा बिखरा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर छिड़कती हूँ जरदई रंग, जो ऑरेंज वाला कलर होता है फूड कलर,
उसको छिड़कने के बाद आप केवड़ा डाल दें या फिर बिरयानी एसेंस डाल दें, तो इन दोनों में से मैं कोई एक चीज़ डालती हूँ। केवड़े की खुशबू महक बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा अरोमा देती है बनिस्बत जो हम बिरयानी वाला एसेंस डालते हैं। ये डालने के बाद ये मैं इस तरह ये टेक्निक क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आपकी जो चिकन है वो भी कलर ले लेती है और आलू भी जो है वो जर्दी रंग का कलर जो है वो जब्स कर लेते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बिरयानी की ओरिजिनल बॉम्बे बिरयानी की लुक आती है। और जो चावल हैं, ये चावल मैंने नॉर्मल वाले बासमती चावल लिए हैं, ये सेला नहीं है, तो अब इसके ऊपर मैंने इसका एक ही लेयर डाली है, मैं लेयरिंग नहीं करती। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और दम पे रखने के बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो देखें यहाँ पे हो गई है जी बिरयानी तैयार। और अब इसका कलर देखें, प्लस ये गीली भी है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, उसके बाद प्लेट में निकालूँगी और प्लेट में निकालने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी इसकी असल लुक। और अब ये देखें बिरयानी एकदम रेडी है। अब देखें चिकन में भी कलर आ गया है और आलू में भी कलर आ गया है।